व्हाट्स गाइस, संजोत की हियर, वेलकम टू IFL। गुजराती विंटर स्पेशल रेसिपी बना रहा हूँ। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आए थे ये रेसिपी के लिए। उंधियू बना रहा हूँ, जो सूरती उंधियू होता है, और बहुत ही डिलिशियस ये रेसिपी बनती है। विंटर वेजिटेबल्स यूज़ किए जाते हैं इसके अंदर, ठंड के ही समय बनती है और फिर पूरी के साथ सर्व की जाती है। साथ में थोड़ी जलेबी खाते हैं, बहुत ही डिलिशियस लगती है। काफ़ी लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है ये रेसिपी बनाने में, लेकिन आज मैं ये रेसिपी को आपको एकदम सिंपल तरीके से बताने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू सिंप्लीफाई इट फॉर यू। हर एक चीज़ जो इसमें यूज़ किया जाती है, इसका प्रेपरेशन कैसे करना है, फिर इसको कुक कैसे करना है, एकदम परफेक्ट तरीके से आपको बताऊंगा। एंड आई एम श्योर दैट यू आर गोइंग टू लव इट। जितने भी गुजराती ये रेसिपी देख रहे हैं, आई होप यू लाइक दिस रेसिपी। और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना ये रेसिपी देखने के बाद कि ये रेसिपी आपको कैसे लगी और आप इस रेसिपी को थोड़े अलग तरीके से कैसे बनाते हो या सेम तरीके से बनाते हो कि नहीं। तो बहुत सिंपल तरीका है। सारी चीज़ें जो हैं मैं आपको अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, सारे इन्ग्रीडियंट्स जो लगने वाले हैं वो एक्सप्लेन करने वाला हूँ। देख लेते हैं उंधियू बनता कैसे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं। सूरती पापड़ी है यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। ये विंटर के समय ही मिलती है, कुछ इस तरीके की दिखती है। तो सूरती पापड़ी बेसिकली दो टाइप की होती है, एक जो पकी हुई होती है और एक जो कवली होती है, यानी कि थोड़ी कच्ची होती है। इसमें दोनों में अंतर ये होगा कि जो पकी हुई है वो कुछ ऐसे फूली फूली दिखेगी और जो कवली है वो थोड़ी सी ऐसे फ्लैट होगी। जो पकी हुई है उसे जब आप खोलेंगे तो इस तरीके से उसमें से दाने निकलेंगे। ये दाने आपको निकाल लेने हैं, और जो कवली होगी उसको आपको इसी तरीके से यूज़ करना है। अब इस रेसिपी के लिए आज जो मैं क्वांटिटीज़ यूज़ कर रहा हूँ, उसमें मैंने 250 ग्राम जो सूरती पापड़ी ली थी उसमें से मैंने डिवाइड कर लिया था। जो कवली थी वो अलग कर ली थी, जो पकी हुई थी वो अलग कर ली थी। पकी हुई में से ये दाने निकाल लिए हैं। अब मार्केट में ये जो दाने हैं वो निकले हुए भी मिल जाते हैं, यानी कि आपको ये मेहनत घर पे नहीं करनी पड़ेगी। तो अगर वैसे कर रहे हैं तो 100 ग्राम आपको दाने ले लेने हैं और 100 ग्राम आपको कवली वाली जो पापड़ी है, सूरती पापड़ी है, वो आपको ले लेनी है। तो ये प्रिपरेशन है। जो कवली वाली पापड़ी है उसको आपको थोड़ा सा प्रिपेयर करना है। तो आप देखेंगे इस तरीके से आपको इस बाजू से इसको तोड़ना है, और तोड़ कर ऐसे जब पुल करोगे तो ये चीज़ निकलेगी, इसे वाल कहते हैं। ये थ्रेड है, उसे आपको निकाल लेना है, और दूसरे एंड के टिप को भी तोड़ देना है। अगर दूसरी तरफ से भी जो थ्रेड है वो निकलता है तो ठीक है, नहीं तो उसको टिप को आप तोड़ लीजिए इस तरीके से, और सूरती पापड़ी को प्रिपेयर कर लीजिए। तो सूरती पापड़ी इस दो तरीके से आपको प्रिपेयर कर लेनी है उंधियू के लिए। अब नेक्स्ट इंग्रेडिएंट देख लेते हैं। तो यहाँ पर तुअर है, तुअर की भी ऐसे फली ही होती है। इसको आप जब इस तरीके से खोलेंगे तो इसमें से ऐसे दाने निकल जाएंगे। तो 100 ग्राम आपको तुअर के दाने इस तरीके से ले लेने हैं। जो ये जो तुअर है, ये बेसिकली जो तुअर दाल यूज़ करते हैं उसी का फ्रेश वर्जन है, जो कच्चा वाला वर्जन है बेसिकली। जो हम तुअर दाल घर पर पकाते हैं वो इसी में से बेसिकली बनती है। तो ये आपको ले लेनी है। कोई कोई लोग हरे मटर भी ले लेते हैं क्योंकि सीजन में होते हैं। मैं आज हरे मटर नहीं डाल रहा हूँ। अगर आप डालना चाहते हैं तो लगभग 100 ग्राम इसमें हरे मटर भी ऐड कर दीजिए, वो भी चलता है। अब नेक्स्ट सेट ऑफ इंग्रेडिएंट्स पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ स्टार्ची वेजिटेबल्स हैं। दो आलू यूज़ कर रहा हूँ, एक शकरकंद यानी कि स्वीट पोटैटो यूज़ कर रहा हूँ, और यहाँ पर कंद है, कंद यानी कि पर्पल यैम है। ये आपको यूज़ करना है। ये तीनों चीज़ों को आपको अच्छे से छील लेना है। छीलने के बाद इसके मोटे मोटे आपको डाइसेस कट कर लेने हैं, और उसके बाद इन्हें हम फ्राई करेंगे। तो ये हो गए स्टार्ची वेजिटेबल्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर मेरे पास बैंगन है। बैंगन जो अभी हैं आपको टेंडर वाले यूज़ करने हैं, सॉफ्ट वाले, छोटे वाले बैंगन जो होते हैं वो यूज़ करने हैं। मार्केट में आप पूछेंगे तो रवैया बैंगन मिलता है, वो वाला जो पर्टिकुलर काइंड है वो भी यूज़ कर सकते हैं। वो आपको उंधियों बनाते टाइम यूज़ करने हैं। वो एकदम पर्पल वाले जो बैंगन होते हैं वो मत यूज़ कीजिए। तो बैंगन को कैसे प्रिपेयर करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये जो टॉप है उसको आपको इस तरीके से कट कर लेना है। कट करके टॉप निकाल दीजिए अच्छे से। उसके बाद यहाँ पर आपको एक क्रॉस सेक्शन में कट लगाना है ताकि हम बैंगन के अंदर मसाला भर पाएं। तो आप देख सकते हो इस तरीके से बैंगन को आपको कट कर लेना है। कई घरों में बैंगन के साथ कच्चा केला यानी कि प्लांटेन वो भी यूज़ किया जाता है। अगर वो यूज़ करना चाहते हैं तो एक कच्चा केला ले लीजिए, उसे कट कर लीजिए, और फिर ये रेसिपी में आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट अभी मसाले की तैयारी जो है उंधियू के लिए वो कैसे की जाती है। तो ये वाले जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये मसाले के लिए, इसका एक हरा मसाला बनेगा। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ये हरा लहसुन है, ग्रीन गार्लिक है। ये विंटर्स में मिलता है और इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया होता है। तो ये आपको ले लेना है। इसके जो रूट्स हैं, ये रूट्स को आपको इस तरीके से निकाल लेना है। इसकी बस इतनी सी तैयारी होगी, और फिर बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स मिलाकर इसका एक दरदरा पेस्ट बनाएंगे, और वो मसाले को हम उंधियू में ऐड करेंगे और उसका बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। लास्ट जो चीज़ है वो यहाँ पर हमें मुठिया बनाना है मेथी का। तो मेथी ले लिया है, उसको मेथी को आप अच्छे से वॉश कर लीजिए, पैड ड्राई कर लीजिए और चॉप कर लीजिए इस तरीके से।
उसके बाद बेसन आटा थोड़े मसाले मिलाकर एक डो तैयार करेंगे, फिर इसे राउंडल्स में शेप करके हम फ्राई करेंगे, जिसे मुठिया कहा जाता है। ये एक स्नैक भी होता है और उंधियों में भी ऐड किया जाता है। तो बस तैयारी ये है, मैंने आपको एक एक चीज़ अच्छे से बता दी है कि क्या क्या यूज़ करना है, इसको प्रिपेयर कैसे करना है, बस यही इंपॉर्टेंट होता है। एक बार आपने ये सारी चीज़ें तैयार कर ली हैं तो उंधियों बनाना बहुत आसान है। तो उंधियों बनाने के लिए आगे क्या प्रोसेस है वो देख लेते हैं। सबसे पहले एक बड़े से बोल में कवली वाली सूरती पापड़ी ऐड कर दीजिए और 100 ग्राम सूरती पापड़ी के दाने, साथ ही में 100 ग्राम तुअर के दाने ऐड कर दीजिए। अब इसमें खूब सारा एकदम गर्म किया हुआ पानी ऐड कर दीजिए, एक चुटकी भर बेकिंग सोडा ऐड कर दीजिए और अभी इन चीज़ों को आपको पानी के अंदर सोक होने देना है जब तक कि आप बाकी की तैयारी करते हो। ये प्रोसेस करने से पापड़ी जो है वो जल्दी से कुक हो जाती है। अब मुठिया बनाने के लिए एक बड़े से बोल में एक बंच चॉप की हुई मेथी ऐड कीजिए, साथ ही में 3/4 कप बेसन, 1/2 कप गेहूं का आटा, 2 टेबलस्पून तेल, टेस्ट के हिसाब से नमक, 1/4 टीस्पून हींग, 1 टेबलस्पून शक्कर, 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन और मिर्ची का पेस्ट, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून तीखी वाली लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, चुटकी भर गरम मसाला ये ऑप्शनल है, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा और 2 टीस्पून नींबू का रस ऐड कीजिए। अब ये सारी चीज़ों को आपको अच्छे से मिला लेना है। बेकिंग सोडा से मुठिया अंदर से अच्छे से कुक हो जाएगा। मसाले जो है हर घर में थोड़े बहुत आगे पीछे अलग अलग यूज़ किए जाते हैं। तो एक बार आपने इस तरीके से मिक्स कर लिया है, अब इसमें पानी के छींटे मारने हैं। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, धीरे धीरे से थोड़ा सा पानी डालिए और अच्छे से मिक्स कीजिए और एक आटे के जैसे इसको आपको गूंदना है। बेसिकली आपको हर एक चीज़ को कंबाइन करनी है, बहुत ज़्यादा एकदम स्टिफ कड़क आटा नहीं बनाना है और बहुत ज़्यादा ढीला आपको एक बैटर नहीं तैयार करना है। बस सारी चीज़ें कंबाइन हो जाएं, उतना सा पानी डालिए, लगभग इसमें 3-4 टेबलस्पून पानी जाता है, बस उतना ही पानी डालकर आपको इस तरीके का एक मिक्सचर तैयार कर लेना है। तो आप देख सकते हो मेरा मिक्सचर किस तरीके से एकदम तैयार हो गया है, इसी तरीके का एक मिक्सचर बना लीजिए। उसके बाद हाथ में आपको थोड़ा सा तेल लगाना है, तेल लगाकर इसके छोटे छोटे आपको राउंडल्स तैयार करने, इस तरीके से आप इसके राउंडल्स तैयार कर लीजिए। एक बार आपने सारे राउंडल्स तैयार कर लिए हैं तो इन्हें हमें फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए तेल को लगभग 160 डिग्री सेल्सियस पर, यानी कि मॉडरेटली हॉट ऑयल आपको ले लेना है। कोशिश कीजिए पीनट ऑयल यूज़ करने को, अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, उंधियों में यूज़ किया जाता है। मीडियम फ्लेम पर इन्हें केयरफुली तेल के अंदर ड्रॉप कर दीजिए और मीडियम फ्लेम पर ही आपको धीरे धीरे इनको फ्राई करना है। एकदम तेज़ आंच पर फ्राई करोगे तो बाहर से रंग पकड़ जाएगा और अंदर से कच्चे रह जाएंगे, तो ध्यान देना तेल आपका बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और एकदम तेज़ आँच पर आपको नहीं फ्राई करना है। तो इन्हें धीरे धीरे फ्राई कीजिए मीडियम फ्लेम पर। एक बार ये ऐसे ऊपर फ्लोट होने लग जाए, यानी कि ये ऑलमोस्ट कुक हो चुके हैं, इस स्टेज पर फ्लेम को हल्का सा बढ़ा सकते हैं और एकदम गोल्डन ब्राउन रंग आने तक इन्हें आपको फ्राई करना है। तो आप देख सकते हो एकदम गोल्डन ब्राउन रंग आ गया है। इस स्टेज पर तेल में से मुठिया को निकाल लीजिए और एक स्ट्रेनर में ऐड कर दीजिए ताकि एक्सेस ऑयल जो है वो निकल जाए और ये हमारा मुठिया जो है वो रेडी हो गया। तो मुठिया जो हमने आज बनाया है ये उंधियों में ऐड किया जाता है, पर एज अ स्नैक भी खाया जाता है, तो ये अलग से एज अ स्नैक भी बना सकते हो, बहुत ही डिलिशियस लगता है। मेथी के बेसिकली पकोड़े ही हो गए हैं, लेकिन बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लेवर्स आते हैं। वो हल्की सी जो चीनी डाली है, मसाले डाले हैं, बहुत अनयूजुअल फ्लेवर होता है, बहुत ही डिलिशियस लगते हैं, तो ये एज अ स्नैक भी आप घर पर बना सकते हो। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि तेल तो हमारा गर्म ही है, तो बाकी की जो चीज़ें हमको डीप फ्राई करनी है वो कर लेते हैं। तो 2 आलू और 1 शकरकंद को मैंने इस तरीके से कट कर लिया है, इन्हें अब गरम तेल में ऐड कर दीजिए। ये भी जो तेल है बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, मॉडरेटली हॉट आपका ऑयल होना चाहिए, नहीं तो बाहर से रंग पकड़ जाता है आलू पर और अंदर से कच्चा रह जाता है। तो बस तेल में डालकर मीडियम फ्लेम पर इन्हें आपको पकाना है। पकाना भी आपको कम्प्लीटली 100% इसको नहीं पकाना है, लगभग 70% पकाना है, बाहर से हल्का सा रंग पकड़ जाए, 70% कुक हो जाए उतना ही कुक करना है। यैम को जो कंद है उसको अलग से फ्राई कर रहे हैं क्योंकि उसका कुकिंग टाइम जो है थोड़ा सा अलग होता है। कंद को हम आलू और शकरकंद को फ्राई करने के बाद अलग से फ्राई करेंगे। तो आप देख सकते हो रंग पकड़ चुका है, 70-75% ऑलमोस्ट आलू और शकरकंद कुक हो चुकी है। इस स्टेज पर इन्हें निकाल कर एक छन्नी में ट्रांसफ़र कर दीजिए। अब सेम तेल के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने कंद को भी इस तरीके से छील कर काट लिया था, उसे भी ऐड कर दीजिए और सेम तरीके से फ्राई कर लीजिए। एक बार कंद भी आपका इस तरीके से फ्राई हो जाए, तेल से निकाल कर छन्नी में ऐड कर दीजिए। तो फ्राइंग वाला जो हमारा प्रोग्राम था वो कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट हमें हरा मसाला बनाना है, वो लास्ट हमारी प्रिपरेशन है और उसके बाद फाइनल कुकिंग के तरफ हम बढ़ेंगे। तो हरा मसाला कैसे बनाना है वो देख लेते हैं। एक चॉपर के अंदर 100 ग्राम हरा लहसुन, 1/2 कप हरा धनिया, 1/4 कप मूंगफली यानी कि पीनट्स,
दो टेबलस्पून सफ़ेद तिल और 4 से 5 हरी मिर्च डालकर बिना पानी डाले दरदरा आपको ग्राइंड कर लेना है। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो मिक्सर ग्राइंडर में भी इसको कर सकते हैं। ध्यान दीजिए कि इसका एक पेस्ट नहीं तैयार करना है, जिसको दरदरा ही आपको पीसना है। तो आप देख सकते हो मैंने मिक्सर को पीस लिया है, ऐसी कुछ कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए। इस मिक्सर को अब एक बड़े से बोल में ट्रांसफ़र कर लीजिए। साथ ही में इसमें 1/4 कप किसा हुआ नारियल, चुटकी भर हींग, 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन और मिर्ची का पेस्ट, 2 टेबलस्पून चीनी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, 2 टीस्पून नींबू का रस, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून जीरा पाउडर और टेस्ट के हिसाब से नमक। ये सारी चीज़ों को आपको अच्छे से अभी मिक्स कर लेना है। ध्यान देना है इसमें लाल मिर्ची का पाउडर नहीं ऐड करना, नहीं तो कलर जो है वो बिगड़ जाता है। तो एक बार आपने सारी चीज़ों को इस तरीके से मिला लिया है तो आप देख सकते हो हमारा जो हरा मसाला है वो रेडी हो गया है। अब इस मसाले को जो बैंगन हमने कट किए थे वो बैंगन में थोड़ा थोड़ा फिल कर लेना है। तो ऐसे जो कट्स लगाए थे उसके अंदर बैंगन को आप फिल कर दीजिए, इस तरीके से फिल कर दीजिए। बैंगन एक बार आपने इस तरीके से स्टफ़ कर दिए हैं मसाले के साथ, उसके बाद जो आलू शकरकंद और कंद हमने फ्राई की थी उसमें आपको लगभग 3-4 टेबलस्पून ये मसाला डालना है। मसाला डालने के बाद इसको अच्छे से आप मिला दो और मसाले से इन सारी चीज़ों को कोट कर लो। तो आलू कंद और शकरकंद को हमने इस तरीके से कोट कर लिया, ऐसे अभी साइड पर रख दीजिए। सारी तैयारी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, अब बस फाइनल स्टेप बच गया है कि एक पॉट के अंदर जो हमारी पापड़ी है वो कुक होगी और फिर बाकी सारी चीज़ें जो हमने तैयार की वो जाएंगी, लेयर होएंगी और स्टीम में से हम पकाएंगे। तो बस उतना ही सा ही प्रोसेस अभी रह गया है। तो वो प्रोसेस कैसे किया जाता है वो देख लेते हैं। एक बड़े से बर्तन में 1/3 कप आप तेल ऐड कीजिए। तेल यहाँ पर आपने जो डीप फ्राइंग के लिए यूज़ किया था वो भी ऐड कर सकते हैं, तेल की थोड़ी बचत हो जाएगी। एक बार तेल आपका गर्म हो जाए तब इसमें 1/2 टीस्पून अजवाइन डालिए। अजवाइन डालने के बाद जो पापड़ी हमने सोक करने रखी थी उसका ये जो पानी है वो आपको निकाल लेना है। पानी निकाल कर पापड़ी और दाने जो है तुअर के वो ऐड कर दीजिए तेल के अंदर। चुटकी भर नमक, आपको 1-2 मिनट तक इसे हाई फ्लेम पर स्टर करते हुए पका लेना है। 1-2 मिनट के बाद बर्तन पर ढक्कन लगाकर फ्लेम को मीडियम पे कर दीजिए और लगभग 5 से 6 मिनट के लिए आपको पापड़ी को पकाना है। बीच में आप चाहें तो 1-2 बार ढक्कन खोलकर हल्का सा स्टर कर सकते हैं। 5 से 6 मिनट के बाद पापड़ी जो है वो लगभग 70-75% कुक हो जाएगी। इस स्टेज पर यहाँ पर जो स्टफ किए बैंगन थे वो ऐड कर दीजिए। वो ऐड करने के बाद हाई फ्लेम पर ही लगभग 1 से 2 मिनट के लिए आपको स्टर करते हुए पकाना है। 1 से 2 मिनट के बाद जो हमारा बाकी का मसाला है, जो बचाव मसाला है, वो ऐड कर दीजिए। मसाला ऐड करके अच्छे से स्टर कीजिए। स्टर करने के बाद ढक्कन लगाकर मीडियम फ्लेम पर लगभग 3-4 मिनट के लिए बस आपको इसे पकाना है। बीच में आप खोल कर देख सकते हैं, अगर मसाला जो आपका लग रहा है थोड़ा ड्राई हो रहा है तो आप हल्का सा इसमें गर्म पानी डालकर इसे स्टर कर सकते हैं। तो आपने एक बार 3-4 मिनट के लिए बैंगन को भी पका लिया है तो ढक्कन निकालिए। ढक्कन निकालने के बाद एक नाइफ की मदद से चेक कर लीजिए, बैंगन जो है आपके हल्के से सॉफ्ट हो जाने चाहिए, कम्प्लीटली कुक नहीं होने चाहिए, ध्यान रखिए। बैंगन जो है लगभग यहाँ पर 60-70% कुक हो चुके, एकदम इसी तरीके से कुक होने चाहिए। अब बैंगन को आपको क्या करना है, ऐसे हल्का सा फैला लेना है अच्छे से बर्तन के अंदर। अब जो आलू शकरकंद और कंद हमने तैयार करके रखे थे उनकी एक लेयर आपको इस तरीके से बिछा देनी है। तो बीच बीच में इस तरीके से आलू कंद और शकरकंद को फैला दीजिए। उसके बाद जो मुठियाँ हमने फ्राई किया था उसको भी आपको इस तरीके से एक लेयर में फैला लेना है। एक बार आपने इस तरीके से सारी लेयरिंग कर ली है उसके बाद थोड़ा गर्म पानी लीजिए। गर्म पानी को इसे किनारों की तरफ आपको डालना है। लगभग यहाँ पर 300 से 350 ml पानी डाल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा पानी डालना है, पानी इतना ही डालना है स्टीम बने बर्तन के अंदर और मसाला नीचे लगे नहीं। एक बार आपने पानी ऐड कर दिया है ढक्कन लगा दीजिए और ढक्कन लगाने के बाद एकदम लो फ्लेम पर लगभग 15 मिनट के लिए आपको इस उंधियों को स्टीम के अंदर जो भाप बनेगी पानी के अंदर उसके अंदर ही कुक करना है, जब तक कि जो मुठिया है वो सॉफ्ट नहीं हो जाता है। तो उंधियों को मैंने पकाने रख दिया है लगभग 15 मिनट के लिए। बीच में आप ढक्कन को खोलकर चेक कर सकते हैं कि मसाला नीचे लग रहा है कि नहीं लग रहा है। लग रहा है तो थोड़ा सा पानी और ऐड कर सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान देना है कि ये टाइम पर अभी जब जो प्रोसेस हो रहा है इसके बीच में आपको स्टर नहीं करना है, बिना स्टर किए ही इसको आपको स्टीम में कुक होने देना है। पानी अगर आपने पहले बराबर डाला है तो और डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और मसाला नीचे लगेगा नहीं। तो लगभग 15 मिनट हो चुके हैं, चेक कर लेते हैं हमारा उंधियों किस तरीके से पका है। तो 15 मिनट के बाद उंधियों हमारा एकदम परफेक्टली कुक हो चुका है। इसके ऊपर खूब सारा ताज़ा कटा हुआ धनिया ऐड कर दीजिए और ये हमारा उंधियों रेडी हो गया है। मैं आपको भी दिखा भी देता हूँ इसको थोड़ा सा निकाल कर, या आप देख सकते हो एकदम परफेक्ट उंधियों बनाए। इसी तरीके से होना चाहिए, ज़्यादा ग्रेवी नहीं होनी चाहिए, इसी तरीके से हल्का सा लटपटा होना चाहिए। उंधियों रेडी हो गया, अभी इसे सर्व कर लेते हैं वाईएफएल स्टाइल।
बड़ा मज़ा आया आज उंधियू बनाने में। मैंने पहली बार YFL पर बनाया है और मैं होप कर रहा हूँ कि आप सभी को पसंद आया। और आप जो भी गुजराती व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं रेसिपी, मुझे बताइए कमेंट्स में कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी। आई एम श्योर कि आप अलग अलग तरीके से बनाते हैं, हर एक घर के अपने न्यूआंसेज होते हैं उंधियू बनाने के लिए। और मैंने ये वाली रेसिपी आपके साथ शेयर की है, तो ज़रूर कमेंट्स में बताना। और ये विंटर सीजन में बनती है, ठंडियों में ही बनती है, तो ज़रूर ट्राई करो ये रेसिपी अगर आपने पहले नहीं की है तो। पूरी के साथ खाने में मज़ा आता है, साथ में थोड़ी जलेबी खाइए, बहुत इंजॉय करोगे आप इस रेसिपी को। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू YFL इफ यू हैवंट येट। हैव एन अमेजिंग टाइम विद दिस ब्यूटीफुल उंधियू रेसिपी एट योर होम। चीयर्स।